योगी कमजोर न पड़ जाए, इसलिए मोदी और अमित शाह ने साइबर जेम्स बॉन्ड को लखनऊ भेज दिया। एक दो नहीं बल्कि 13 इनकाउंटर कर चुके हैं। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश्वर सिंह को बहुत बड़ी कुर्बानी देकर बीजेपी ने योगी का साथ देने के लिए भेजा है। यूपी में सपा और बीजेपी की लड़ाई अब करो या मरो वाली हो गई है, इसीलिए बीजेपी को राजेश्वर सिंह की जरूरत पड़ी और राजेश्वर सिंह ने 11 साल पहले ही अपनी नौकरी छोड़कर बीजेपी के जेम्स बॉन्ड बनकर सियासी मैदान में कूद पड़े हैं। राजेश्वर सिंह और मुलायम सिंह यादव की भी एक कहानी है जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर राजेश्वर सिंह है कौन। राजेश्वर सिंह सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और 1996 बैच के PPS अधिकारी हैं। इनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह भी IPS अधिकारी हैं। जब तक इन्होंने CO की जिम्मेदारी संभाली, इन्हें लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 13 एनकाउंटर कर चुके हैं। 2009 में ईडी में चले गए थे। ये वही राजेश्वर सिंह हैं जिन्होंने सहारा के मालिक सुब्रत रॉय को 14,000 करोड़ लेने के आरोप में जेल भिजवा दिया था। एयरसेल मैक्सिस डील को हरी झंडी देने के मामले में देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भी पानी पिला चुके हैं। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस दौरान देश की सरकार से सीधा पंगा ले लिया था। जिस 2G और कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फंसे थे उसकी जांच भी राजेश्वर सिंह ही कर रहे थे। लखनऊ की सरोजनी नगर से ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। राजेश्वर सिंह ने कुछ महीने पहले ही VRS लेने का फैसला किया था। मंगलवार को VRS मंजूर हुआ और शाम को बीजेपी ने टिकट दे दिया। यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह इस सीट से विधायक हैं। इस सीट पर स्वाति सिंह की वजह से बीजेपी पहली बार चुनाव जीती थी। इससे पहले यहां पर सपा और मायावती की पार्टी BSP का कब्जा था, लेकिन अब स्वाति सिंह की जमीन पर बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को खेती करने के लिए भेज दिया है। राजेश्वर सिंह ने कई खूंखार अधिकारियों और आरोपियों को कोर्ट तक पहुँचाया है। इन्हें साइबर जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। इनकी एक कहानी मुलायम सिंह यादव के साथ भी है। कहते हैं जब यूपी में 2003 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब एक बूढ़ी महिला ने पुलिस में तहरीर दी थी कि माफिया अतीक अहमद और गैंग ने उसकी जमीन हड़प ली है। इसके बाद राजेश्वर सिंह ने अतीक अहमद को गिरफ्तार करने के लिए एक्शन लिया, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इससे खुश नहीं थे। मुलायम सिंह यादव तब मुख्यमंत्री थे और अतीक अहमद मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी। कहते हैं मुलायम सिंह यादव ने संदेश भिजवाया था कि राजेश्वर सिंह अतीक अहमद को छोड़ दे, लेकिन राजेश्वर सिंह ने किसी की नहीं सुनी थी। इसके बाद मुलायम सिंह भी राजेश्वर सिंह से खफा हो गए थे। कहते हैं राजेश्वर सिंह को टिकट देने के पक्ष में बीजेपी के अंदर भी कई नेता नहीं थे, लेकिन राजेश्वर सिंह के काम और विरोधियों से सीधे लड़ने की खूबी अमित शाह और मोदी को बहुत पसंद आई। इसीलिए अपनी साफ छवि वाली मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट कर राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने थमा दिया, क्योंकि ये आदेश सीधा दिल्ली से था। इसके पीछे की वजह यह है कि राजेश्वर सिंह को बहुत अनुभव है और योगी आदित्यनाथ को इसका फायदा मिलेगा।